Hey guys, good morning and welcome back to another new vlog. और मैंने vlog start किया थोड़ी सी late से, lunch time से. Actually 11:30 हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं lunch बना लेती हूँ, क्योंकि breakfast हो गया था बहुत पहले और उसके बाद थोड़ा सा काम में मैं busy हो गई थी. तो मैं सबसे पहले फटाफट से lunch का तैयारी करूँगी, तो vlog भी थोड़ी सी आज late ही start हुई है. मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं चावल यहाँ पे धो के चढ़ा दूंगी. हम लोग ना पानी उतारा हुआ चावल खाते हैं, और ये आपका भुजिया चावल है. तो बस इसीलिए चावल को 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश करके मैं चावल चढ़ा दूंगी. ये होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चावल होने में, और इसलिए सबसे फास्ट मैं काम स्टार्ट करने पहले चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चावल होने में ना इंडक्शन में थोड़ी बहुत टाइम लग ही जाती है. आप जितना भी कोशिश करो जी. लंच का आधा से ज़्यादा तैयारी हो चुका है. मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, दाल मेरी बॉईल हो चुकी है और पालक को मैं प्रोसेस करूँगी. तो आज दाल पालक बनाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी वाली. आज ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया मैंने, 12:15 हो रहा है अभी. मैं दिखा दूँ आप लोगों को, 12:15 हो रहा है, इसलिए मैंने आफ्टरनून मेरा घर के सामने का नज़ारा वैसे ही का वैसे ही रहता है. ये देखो अभी मैं जा रही हूँ, मेरा पूजा पाठ तो हो चुका है, मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ. थोड़ी सी ना आज लेट हो गया मेरा, थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी, तो उसी में मेरा लेट हो गया. सुबह सुबह ना अगर एडिटिंग करने बैठ जाओ ना तो बेहद लेट हो जाता है. एनीवेज चलो, यहाँ पे पालक मैं ऑलरेडी, ये डिजास्टर मत देखो आप लोग, यहाँ पे देख लो पालक मैं यहाँ पे ऑलरेडी धो रही थी. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया, कब का आप लोगों के साथ बात ही नहीं कर पाई. तो चलो आज दाल पालक बना रही हूँ, बहुत टेस्टी वाली. हाँ बाय द वे, दाल पालक तो 3-4 रकम दाल मिला के या फिर दूसरा किसी दाल के साथ आप बनाओ, लेकिन मसूर के दाल के साथ भी बेहद अच्छी लगती है. मैं बना रही हूँ, आप लोग देखो घर पे भी बनाओ, ऐसे विंटर स्पेशल रेसिपी है. चलो पहले मैं इसका तैयारी करती हूँ. चावल चढ़ाने का पहले ही मैंने दाल चढ़ा दिया था ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो वो वाली क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ अभी. इसलिए मैंने बोला कि दाल मेरी बॉईल हो चुकी है. सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन क्लीन किया मैंने, और उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दिया था, और उसके बाद धीरे 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 काम करते हुए किचन का हालत वैसे डिज़ास्टर हो गया. हो ही जाता है, किचन थोड़ी फैल जाती है. तो जब ब्रेकफास्ट करने के पहले ये मैं दाल यहाँ पे एक्चुअली चढ़ा रही हूँ, नहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद ही चढ़ाई थी. हल्दी नमक डाल के मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है, और दाल बॉयल हो जाएगी अपने हिसाब से, तब तक मैं अपना बाकी एडिटिंग का काम ख़त्म कर लूँगी, यही सोच के मैं दाल चढ़ा दिया था. और ये मैं मिल रही हूँ अभी आप लोगों से. जब मैं बोली कि पालक प्रोसेस करूँगी, पालक भी मैंने कट कर लिया था. इसको ना 5-6 पानी से अच्छे से धो लूँगी. इसमें ना थोड़ी सी कंकर वगैरह, मिट्टी वगैरह होता है, थोड़ी सी ना मतलब किरकिरापन लगता है अगर अच्छे से आप पालक को ना धो तो. तो बस यहाँ पे ना पालक को बहुत अच्छे से धो के पानी से, और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेन होने के लिए छोड़ दूंगी. ये अपने आप स्ट्रेन होते रहेगा, इसमें पानी निकल जाएगा, तो उसके बाद मैं प्रोसेस करूँगी. तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक प्याज मैंने कट कर लिया, और उसके साथ 2 टमाटर मैं यहाँ पे कट करूँगी. दाल पालक में ना थोड़ी सी टमाटर ज़्यादा जाती है, आप 3-4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, हम लोग उतना नहीं करते. 2 टमाटर बड़े साइज़ का मैंने इस्तेमाल किया. और बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल. बाय द वे ये दाल पालक सरसों का तेल में ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है. ऑयल थोड़ी सी गर्म हो जाए तो उसमें ऐड कीजिए ज़ीरा. ज़ीरा थोड़ी सी फ्लैटर करे तो ऐड कर दीजिए सूखी हुई लाल मिर्च, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा. और उसके साथ थोड़ी सी प्याज मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, और प्याज ऐड ऑन करने से ना इसको, प्याज को भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं भूनना है आपको, जस्ट सौते करना है, एक दूसरे से प्याज खुल जाए, बस उतना तक ही आपको प्याज को पकाना होता है. तो बस प्याज थोड़ी सी एक दूसरे से खुल गया, तो मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर दे रही हूँ.
हूँ। टमाटो के साथ साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया ताकि टमाटो जल्दी गल जाए। उसके साथ ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी हरे मटर। दाल पालक बन रहे है और विंटर स्पेशल है, मटर के सीजन है तो मटर तो डालेंगे ही ना जी। तो बस हरे मटर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत स्वाद लगती है। और ये फ्रेश मटर है ना, थोड़ी सी टाइम लगती है पकने में, बस लेड लगा के 5-1 मिनट मैंने पकाया इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम में। तो लो ऐड दिस, ये टमाटर पूरी तरह से गल चुकी है, पूरी तरह से एकदम पेस्ट बन चुका है टमाटर का। तो बस नीचे चिपक रही है, इससे आप परेशान मत होइए, अपने आप ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे मैं मसाले कर रही हूँ, सूखी मसाले, सूखे मसाले जो ऐड ऑन करते हैं, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर। भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर ना बहुत स्वाद देती है, मतलब खुशबू और स्वाद रंग रूप में बहुत अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे सारे मसाले भून चुके थे, तो मैंने यहाँ पे पालक जो धो के प्रोसेस करके रखे थे ना, मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा करके, वही पालक ऐड कर रही हूँ। लीड लगा के 10 मिनट पका लीजिएगा स्लो फ्लेम में, तो पालक थोड़ी सी पक जाएगी। तो बस पालक पक गई है, वाटर रिलीज हो गया पालक का। बस इसको ना थोड़ी सी और मैश्ड करना है, मतलब मैसी बनाना है, क्रश कर देना है आपका स्पैचुला की मदद से ना, इसको स्क्रैच कर दीजिए अच्छे से। तो स्मैश्ड हो गया, तो उसके बाद जो दाल मैं बॉईल करके रखी थी उसको ऐड ऑन करना है। अच्छा, दाल पूरी तरह से नहीं गलना चाहिए, 80% तक कुक्ड होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही सीटी लगाई थी, तो बस इसीलिए दाल आपको थोड़ा सा खड़े खड़े मिलेंगे, क्योंकि अभी दाल को पकने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो पालक के साथ मसाले के साथ दाल पकेगा, तब तक दाल पूरा मतलब मैशी हो जाएगा, स्मैश्ड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से पक चुका होगा। अगर आप पहले ही पूरी तरह से पका लेंगे तो वो दाल एकदम गल जाएगी, एकदम मतलब हलवा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे दाल में उबाल आ चुका है, ये देखिए दाल पकने लगी है, गलने लगी है, दाल पूरी तरह से गल जाएगी। और ये जितनी गाढ़ी या जितनी पतली वो अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कीजिए। हम लोग चावल के साथ सर्व करने वाले हैं, तो थोड़ी सी तरी वाली हम लोगों को चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी दाल हम लोग नहीं खाते हैं। तो दाल पूरी तरह से गल चुका है, इसमें लास्ट में ऐड कीजिए थोड़ी सी नींबू का रस, इससे ना दाल का जो हैवीनेस होती है ना वो लाइट हो जाती है, जो खाने के बाद जो हैवीनेस फील होती है ना वो आपको नहीं होगा, लाइट वेट हो जाएगी। बस लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एकदम छोटे चम्मच का एक चम्मच घी ऐड ऑन कीजिएगा फ्लेम को ऑफ करने के बाद। मैं फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए फ्लेम ऑफ है, उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा घी ऐड ऑन किया। और बस मेरी लंच बन चुकी है, हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं और मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैं सुबह से ना मुझे टाइम नहीं मिला था प्लांट्स को पानी देने का, और पानी देते देते मैं देखी कि ये वाली एरिया ना बहुत गंदगी हो पड़ा था, तो मेरा जो सुबह का कपड़े वगैरह था वो भी फैलाना था, तो हाथ में टाइम था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ चलो इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो 2-3 दिन हो गया था ऊपर में मैंने साफ़ उस तरह से नहीं की थी, तो बस मैंने पोछा लगा दिया, अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर दिया, और थोड़ी सी फ्रेश फ्रेश होने से ना देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद जितना सारा कपड़ा मैं धो के लाई थी ना ऊपर में, वो सारे फैला दूँगी, और उसके बाद जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं लंच सर्व कर दूँगी। अभी ज़्यादा टाइम हो भी नहीं रहा है, अभी 1 के करीब ही हो रहा है, क्योंकि दाल पालक ना बहुत फटाफट बन जाती है, और स्पेशली अगर आपके पास आगे से काम मतलब आगे से प्रोसेस किया हुआ रहे। तो मैं दाल बॉईल कर ली थी, कपड़ा फैला चुकी हूँ, और मेरा अभी यहाँ पे दाल पालक मेरी बन चुकी है, ये देखो। अब हस्बैंड आएंगे घर, तो बस लंच सर्व कर दूंगी मैं। अभी 1:30 बज रहा है, पूरी तरह से मेरा रूम का हालत दिखाओ, देखो फिर अफरा तफरी हो गया है। सुबह मैं क्लीन की थी, क्लीन करके कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं जो मेरा है ना, देखो पीछे देख, बॉटल रखा हुआ है, यहाँ साफ करके गई थी सुबह, मतलब सुबह क्लीन कर रही हूँ, दोपहर तक पूरा तहस नहस हो जा रहा है, फिर क्लीन अप करना पड़ रहा है। लेकिन अभी मैं क्लीन नहीं करूँगी, अभी
थोड़ी सी बैठूंगी, थोड़ी सी रेस्ट करूंगी, उसके बाद लंच करूंगी। मैं मिलती हूँ जब लंच करूंगी, तब आप लोगों से थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ। थोड़ी सी बैठी थी तो हस्बैंड आ गए तो साथ ही साथ में, तो मैंने बोला चलो लंच तो बन गया है, मैं सर्व कर देती हूँ। आज सिंपल सा वेज लंच था, दाल पालक चावल और उसके साथ दही, और ये ना एकदम बेस्ट था टेस्ट में। आप लोग ना घर पे ज़रूर बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए लंच करने के बाद में ना मैं बैठ गई थी मैंग को लेके, उसका थोड़ा सा स्टडी कंप्लीट कराना था, रिविजन कराना था, उसका स्कूल का होमवर्क था, क्योंकि नेक्स्ट मंडे उसका स्कूल रीओपन हो जाएगा, तो तब तक मुझे सारे सब चीज़ उसका कंप्लीट कराना है। तो बस इसीलिए मैं उसको लेके बैठ गई थी अभी, और दोपहर को तो घर में कोई सोता नहीं है, तो बस दोपहर को अभी अगर स्टडी करा लूँगी उसको तो शाम को उसको खेलने का टाइम भी मिल जाएगा। तो इसीलिए यही बात सोच के मैं किचन की तरफ नहीं गई, उसको स्टडी में बैठा दिया, थोड़ा सा उसके साथ टाइम दिया 1-1.5 घंटा, और उसके बाद मैं चली गई अपना काम पे। एक्चुअली डिशवॉशर लोड करना था, किचन क्लीन करना था मुझे, तो वही सारे काम मैं करने लगी हूँ। अभी ऑलमोस्ट 3:30 के करीब हो रहा है, तो बस इतना लेटली मैं कर रही हूँ। इस टाइम मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, लेकिन हुआ नहीं आज। मैं बैठ गई थी मयंक को लेके, उसका स्कूल का स्टडी सारे कंप्लीट कराने थे मुझे, मतलब होमवर्क वगैरह अभी तो कराना ही पड़ता है मुझे, छोटा बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा तो ये सब चीज़ मुझे देखना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे डिशवॉशर भी अपना लोड कर दिया है, डिशवॉशर ऑन, थोड़ा बाद में करूंगी। लंच वंच हो गया हम लोगों का, लंच होके बहुत टाइम हो गया। एक्चुअली मैंने किचन वगैरह भी मेरा क्लीन कर ली, देखिए मेरा किचन विचन क्लीन हो गया, सारा काम मैं निपटा ली हूँ। अभी 3:30 के करीब हो रहा है, 3:30 बज गया। मेरा कुछ मतलब थोड़ा सा अभी ना रेस्ट करने का मन कर रहा है, अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मन कर रहा है कि थोड़ा सा सो लूँ, मतलब एटलीस्ट 5:00 तक तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ। अभी मुझे कुछ नहीं करना है और ऐसा हालत हो गया है, तो चलो जी मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और आज का व्लॉग, मुँह पे ना सूर्य देव आ रहे हैं, आज का व्लॉग किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे व्लॉग में, तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज़ जो है, विंटर स्पेशल रेसिपीज़, और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आने वाली है आप लोगों के लिए। फिलहाल आज की व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ फार्माकुर्मी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।